नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल डिशटेक इन्फो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपके पास फ्री डिश का बॉक्स आपके यहाँ पर लगा है और वो उसमें कई जगह पर नो सिग्नल आ रहा है और इस तरह के चैनल लिखे हैं जो जी वाले कुछ चैनल हैं, जी छत्तीसगढ़, जी पंजाबी, जी MP, इस तरह के चैनल आपको देखने को मिलते हैं और उन पर वहाँ पर लिखा रहता है नो सिग्नल, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो चैनल है दोस्तों इस समय पर नहीं चल रहे हैं, ये चैनल बंद हो चुके हैं, इसलिए इनका नो सिग्नल आपको देखने को मिलेगा इन चैनल पर, या फिर इनकी जगह कोई और चैनल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप अपने सेट टॉप बॉक्स के डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर जैसे आपने बहुत दिनों से अपने सेट टॉप बॉक्स का स्कैन नहीं किया है और पूरा चैनल के नाम लिखे हैं और वहाँ पर चैनल कोई और ही चल रहा है, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, इसमें 94 चैनल अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम मेनू का बटन दबाएँगे, तो ये मेनू में जाने के बाद दोस्तों हम क्या करना है, इसको रीसेट करेंगे। तो मेनू में कैसे जाना है, ये छोटा बटन मेनू का होता है, यहाँ पर इस तरह से फंक्शन दिखाई देंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए एडिट प्रोग्राम है, लेकिन हम एक बार क्या कर सकते हैं, इसको सेट टॉप बॉक्स को रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और ओके कर देंगे। रीसेट करने से क्या होगा, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रीसेट हो जाती है और ऑटो स्कैन करने में आसानी रहती है। यहाँ पर देखिए रीसेट होने के बाद में इस तरह के चैनल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चैनल तो ऐसे ही हैं, ये नहीं चलेंगे दोस्तों, तो इनको हम अब क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हम वापस मेनू का बटन दबाएंगे, मेनू में जाने के बाद हम जो है एडिट प्रोग्राम में जाएंगे। इस तरह से मेनू में गए और फिर एडिट प्रोग्राम में गए और यहाँ से हमने डिलीट ऑल प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। यहाँ से सेटअप बॉक्स के सारे चैनल डिलीट हो गए। फिर जाएंगे ऑटो स्कैन में, ऑटो स्कैन में जो है फ्रीक्वेंसी है ये जो कि तू रखनी है, चेंज नहीं करनी है, सिर्फ ओके करना है। तो इस तरह से सेटअप बॉक्स ऑटो स्कैन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ समय लग जाता है, तो यहाँ पर तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल होंगे, यानी कि आपके डिश सेट होगी या कोई आपके यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, LNB की प्रॉब्लम नहीं होगी या वायर की नहीं होगी, और अगर आपका सेट टॉप बॉक्स सही होगा, तो यहाँ पर आपके सेट टॉप बॉक्स को चैनल स्कैन करने चाहिए। अगर चैनल स्कैन नहीं करता है तो फिर ये समझ लीजिएगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल नहीं पहुँच रहा, इसलिए चैनल स्कैन नहीं करेगा सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अभी इंतज़ार करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 100% होने तक का हम इंतज़ार करेंगे, और जब ये 100% तक होगा तभी पता लगेगा हमें कि चैनल आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए 54% हो चुका है, यहाँ पर अभी तक कोई भी चैनल नहीं आया है। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर आपको फ्री डिश और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चैनल आ चुके हैं, वो चैनल्स में आपको देखने को मिल रहे हैं और ये स्कैन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके सेट टॉप बॉक्स में भी ये चैनल आसानी से आ जाएंगे। और अब जो ये चैनल यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर वही चैनल आएंगे जो अभी के दौर में फ्री डिश पर चल रहे हैं, मतलब नाम भी वही लिखा होगा और चैनल भी वही आएगा। तो आप इस तरह से अपने सेट टॉप बॉक्स को स्कैन कर सकते हैं और जो चैनल अभी के समय फ्री डिश पर है वो चैनल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब ये 100% हो जाता है तो हम मेनू का बटन दबा देते हैं, फिर ये सेव हो जाता है और फिर इसके बाद हम अपने सेट टॉप बॉक्स को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, उसके चैनल अपने अनुसार हम रख सकते हैं अप डाउन करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।